अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। विशेष वर्ग समूह की ठेकेदारी करने का पट्टा करा रखा है के द्वारा शैलेंद्र सिंह पंवार की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। यह कि उक्त षड्यंत्र की जानकारी शैलेंद्र सिंह पंवार को इमरान चौहान नामक वैधानिक कार्यवाही की जावे, यही निवेदन है। उसके उपरांत भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते हिंदू समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति की हत्या करने का इंतजार किया जा रहा है। अगर भविष्य में इमरान चौहान एवं शैलेंद्र सिंह पंवार या इनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई आर्थिक या शारीरिक क्षति कारित होती है तो देवास प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना उक्त घटना कारित करने वाले अपराधी होंगे। उक्त षड्यंत्र का खुलासा होने के पश्चात देवास शहर के हिंदू युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। अगर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं की जाती है तो देवास में पीएफआई के आतंकवादी जो कि पूर्व में अंसार अहमद हाथीवाला वो उसके पार्षद पुत्र मुस्तफा अंसार हाथीवाला जो कि पूर्व में भी कई आपराधिक षड्यंत्रों में सम्मिलित रहे हैं, सांप्रदायिक उपद्रव एवं सीमी आतंकवादियों को संरक्षण देने का कार्य भी करते हैं। इनके द्वारा ही शैलेंद्र सिंह पंवार की हत्या करने का षड्यंत्र एवं दुष्प्रेरण का कार्य किया गया है। शाकिर चाचा इंदौर जो कि पूर्व में कई हिंदू धर्म के अनुयायियों एवं नेताओं की हत्या जिसमें नारायण पहलवान मुख्य थे की हत्या की गई। मुख्य रूप से शाकिर चाचा हिंदू नेताओं की हत्या करने की सुपारी लेने का कार्य करता है। शाकिर चाचा के द्वारा हत्या करने के लिए आशु मोहम्मद मथुरा अब्दुल्ला औरंगाबाद नदीम आदिलाबाद तेलंगाना व दो अन्य शूटर जो देवास में ही निवासरत है को हत्या करने के लिए शाकिर चाचा ने सुपारी दी जो कि निम्बाड़ा राजस्थान में निवासरत है के द्वारा यास्मीन शेरानी रतलाम पार्षद वासिद पीतमपुर मंजूर भांग व्यापारी इंदौर के द्वारा हिंदू नेताओं की हत्या करने के लिए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर राशि एकत्रित की जाती है। वह राशि सुपारी किलर को एवं सिमी के आतंकवादियों को फंडिंग के रूप में प्रदान की जाती है। चुन्नू लाला शोएब जो कि निम्बाड़ा राजस्थान में निवासरत हैं, यास्मीन शेरानी रतलाम में निवासरत हैं, के द्वारा कई सांप्रदायिक हिंसाएं की गई है। उनके द्वारा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर अफीम डोडा चूरा एवं गो तस्करी का कार्य किया जाता है। उस तस्करी से प्राप्त राशि को आतंकवादी संगठन सिमी एवं पीएफआई को प्रदान किया जाता है। मंजूर भांग व्यापारी इंदौर के द्वारा पीएफआई एवं सिमी के आतंकवादियों को उसके देवास मक्सी रोड पर स्थित फार्म हाउस पर फरारी काटने में सहयोग प्रदान किया जाता है। कई सांप्रदायिक दंगे एवं पीएफआई के व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। कई हिंदू व्यक्तियों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर उन्हें जबरन हड़पा जाकर वक्फ बोर्ड में प्रदान किया गया है। मुस्तफा अहमद एवं शाकिर चाचा इंदौर यास्मीन शेरानी रतलाम मंजूर भांग व्यापारी इंदौर इन सभी की सीडीआर निकाली जावे एवं इन सभी व्यक्तियों की टावर लोकेशन भी एकत्रित की जावे जिससे यह स्पष्ट होगा कि इन सभी व्यक्तियों के द्वारा शैलेंद्र सिंह पंवार की हत्या का षड्यंत्र एवं दुष्प्रेरण का कार्य किया गया है। दिनांक 16/5/24 को सीएसपी कार्यालय में उपस्थित होकर इमरान चौहान नामक व्यक्ति के द्वारा शैलेंद्र सिंह पंवार की हत्या एवं दुष्प्रेरण देवास शहर के पूर्व सभापति अंसार अहमद हाथीवाला का नाम लिया गया तो पुलिस प्रशासन के
अधिकारियों द्वारा उसे धमकाया गया और कहा गया कि उक्त व्यक्ति का नाम मत लेना, अन्यथा तुझे किसी भी मादक पदार्थ की तस्करी या अन्य अवैधानिक गतिविधियों में शामिल कर जेल के अंदर भेज देंगे। उक्त इमरान चौहान नामक व्यक्ति के द्वारा सीएसपी महोदय देवास के समक्ष उपस्थित होकर इस षड्यंत्र की पुष्टि की गई एवं उसका खुलासा किया गया, जिसके उपरांत भी सीएसपी महोदय के द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिससे यह युक्त आशंका उत्पन्न होती है कि देवास शहर के कोई बड़े राजनेता यहाँ पर उन राजनेता का नाम लेना मर्यादा भंग करना होगा। इसलिए वह राजनेता जो वर्ग विशेष के समस्त अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं के दबाव में आकर अंसार अहमद हाथीवाला व उसके पुत्र अन्य संगठन के कार्यकर्ता इसके कार्यालय पहुंचे, क्या कुछ पूरा विषय? एक सनातनी हिंदू जो हिंदुत्व की विचारधारा को इस देवास में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हो सकता है कई प्रकार के आरोप हो, लेकिन जब से वो बाहर आए हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कारों को, हिंदुत्ववादी विचारों को इस देवास में बढ़ाने का काम भाई शैलेंद्र पवार कर रहे हैं। उनके विरुद्ध ये जो घटना सामने आई है, उनके विरुद्ध जो षड्यंत्र सामने आया है, हमने आज प्रशासन से निवेदन किया है कि देवास शांतिप्रिय शहर है, लेकिन हिंदू समाज को यदि हम शांत हैं तो हमें कमजोर न समझे। हम अपनी ताकत का कभी भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम देवास को शांत रखना चाहते हैं। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करने आए हैं कि आप अपने स्तर पर कार्रवाई करके इस षड्यंत्र में जितने लोग भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, उन सब पर तत्काल कार्रवाई करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें और शैलेंद्र सिंह पवार की जान की सुरक्षा करें। सुरक्षा करने में हिंदू समाज का प्रत्येक युवा यहाँ पर सक्षम है। घटना में जो इमरान चौहान ने जिसने आकर इस पूरे घटना का खुलासा किया है, उसको भी इंदौर में सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उसने वास्तव में इस देवास को आग में झोंकने से बचाने का काम किया है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि जो भी इस षड्यंत्र में लिप्त हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाकर भाई शैलेंद्र की राम राम परिवार की सुरक्षा की जाए। हम सब भी सक्षम है राम राम परिवार की सुरक्षा करने में, लेकिन हम प्रशासन को इसलिए आगे लाना चाहते हैं कि हम आगे नहीं आना चाहते, हम आपके माध्यम से इस देवास में शांति चाहते हैं। भारत माता की जय।